अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का न्यूज बॉय किस चैनल। सो गाइस, एज वी नो के कश्मीर में जो विंटर प्रॉब्लम्स हो रही है वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस विंटर में हमें या तो आग के वेरेदार ज्यादा नजर आएंगे या तो हार्ट अटैक्स या तो सफोकेशन, ये तीन चीजें इस विंटर में होनी ही होनी है, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूं कि कल शाम को ऐसा ही एक वाकया जो कि बड़गाम किराल पथरी इमाम साहब में पेश आया है, वहां पे आग की लपेट में एक मकान आ गया है और मकान में अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं बचा है। लोकल्स अगर वहां पे अपना एफर्ट डालना भी चाहते थे लेकिन वहां पे कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आग ने वहां पे मिलिया मेट करके रखा है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि विंटर्स में आप लोग अपना ख्याल रखिए और घर का भी ख्याल रखिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स होनी बहुत ही होनी है। घर में हम ज्यादातर जो मैंने आपको बोल दिया कि कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर्स, गैस बुखारियां, जिनकी वजह से ये जो हादसात ये होने ही होने हैं इस विंटर में। सो अगर हम चाहें तो इन हादसात को टाल सकते हैं, बस थोड़ी बहुत सावधानी के साथ काम लेना है और अपने आप का ख्याल रखना है। और जो अब वहाँ पे नज़दीकी रहते हैं वहाँ पे इमाम साहब में बड़गाम में, उन्हें चाहिए कि वो इनकी हेल्प करें क्योंकि मैंने वीडियो क्लिप पे देखा है वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सारा का सारा मिलिया मेट हो चुका है। वीडियो क्लिप देखकर ही इंसान को बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वहां पे मंजर ही कुछ ऐसे। सो गाइस, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। और हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।